दोस्तों, दुनिया में सब लोग अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से काम करते हैं और सबको काम के हिसाब से सैलरी दी जाती है। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी किन देशों में दी जाती है। विश्व में बहुत से ऐसे देश है जहां प्रति व्यक्ति सालाना आय लाखों में है और वो भी हर हफ्ते निश्चित घंटे काम करने के। भारत में प्रतिदिन काम करने के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित है, लेकिन वो कंडीशन सिर्फ सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित है। आम आदमी या मजदूर वर्ग की हालत तो बहुत ही खराब है। उन्हें 16 से 18 घंटे तक काम करने के बाद भी मुश्किल से इतनी पगार मिलती है कि घर खर्च भी आसानी से ना चल पाए। तो चलिए बताते हैं किस देश में हफ्ते में कितने घंटे काम और कितनी सैलरी दी जाती है। नंबर 1, बेल्जियम। बेल्जियम में हफ्ते में केवल 40 घंटे ही काम करना होता है, लेकिन सैलरी 29,000 रुपये प्रति हफ्ता से भी ज़्यादा है। साल का अंदाजित 14,08,000 रुपये। लग्जमबर्ग में भी हफ्ते में केवल 40 घंटे ही काम करना होता है, लेकिन सैलरी 31,000 रुपये प्रति हफ्ता है। सालाना अंदाजित 15,19,000 रुपये। नंबर 3, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में भी हफ्ते में केवल 40 घंटे ही काम करना होता है, लेकिन सैलरी 26,000 रुपये प्रति हफ्ता से भी ज़्यादा है। साल का अंदाजित 12,87,000 रुपये। नंबर 4, नेदरलैंड। नेदरलैंड में हफ्ते में केवल 48 घंटे ही काम करना होता है, लेकिन सैलरी 30,000 रुपये प्रति हफ्ता है। साल का अंदाजित 14,77,000 रुपये। नंबर 5, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में काम के लिए हफ्ते में केवल 38 घंटे ही निर्धारित किए गए हैं, लेकिन सैलरी 30,000 रुपये प्रति हफ्ता से भी ज़्यादा है। साल का अंदाजित 14,61,000 रुपये। नंबर 6, आयरलैंड। आयरलैंड में हफ्ते में केवल 46 घंटे ही काम करना होता है, लेकिन सैलरी 26,000 रुपये प्रति हफ्ता से भी ज़्यादा है। साल का अंदाजित 12,60,000 रुपये। अब भारतीय काम के समयानुसार आप खुद जोड़कर देख लो। आमतौर पर हर भारतीय करीब 12 घंटे रोज काम करता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ देशों में मिलने वाली सैलरी। प्लीज़ कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और चैनल सूर्यांशी ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू।